रहे आड़े माँ, मौका पाके गोविंदो पीगा लड़का मर गए जाड़े माँ। देख रहा है हवेली के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। आखिर ठाकुर चतुर सिंह ने अपनी चतुराई दिखाई दिया क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन सेना, इस बार मैं चतुर सिंह की कोई चतुराई कामयाब नहीं होने दूंगा। एक काम करो, कुछ साथियों को भेज कर जल शंकर करके बगल में शिवगढ़ है वहां पर जाकर हवाई फायर करे ताकि पुलिस वालों का ध्यान बढ़ जाए और हम लोग मौका पाकर हवेली पर चढ़ाई कर लेंगे। लेकिन सरदार जी, अपने कुछ साथी गायब हैं, अपने साथ नहीं आए। कहा है वो? बुला कर लाओ। लालिया, तू कहां रह गया था? हाँ, कहां रह गए थे? क्या कर रहा था? बैठे थे सरदार, बैठे थे। कहां बैठे थे? वहां पर। हमने क्या कहा था कि शंकर कर की हवेली पर चढ़ाई करना है और तू वहां बैठकर क्या कर रहा था? तू कायर है, लगता है ये कायर है। अगर इस तरह से तू चलेगा तो तू तो मारा ही जाएगा, हम लोगों के लिए भी खतरा बन जाएगा। ऐ, इसे सबक सिखाओ, सबक सिखाओ ताकि दोबारा कर। याद रखना, बोल कर कोई ना परवाही नहीं होनी चाहिए वरना गोली मार दूंगा। जाओ, हमने जैसा कहा, कुछ साथी जाकर शिवगढ़ में हवाई फायर करो, उसके बाद हम शंकरगढ़ की चतुर्थी शिवगढ़ चलते। जय मां भवानी। इतना समय हो गया है लेकिन अभी तक पुलिस का कोई कर्मचारी हमारी हवेली की तरफ नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया हुजूर। हमें तो लग रहा है कि इंस्पेक्टर अमर मुझसे पुलिस थाने में झूठ बोला था कि हम तुम्हारी हवेली में पुलिस का पहरा लगा देंगे। लेकिन अभी तक पुलिस का कर्मचारी क्यों नहीं आया है? पता नहीं। जमींदार साहब, क्या बात है? आइए दरोगा जी, आइए। हमें आप ही का बेसब्री से इंतजार था कि रात होने को आ रही है लेकिन अभी तक पुलिस का कोई कर्मचारी हमारी हवेली में क्यों नहीं आया है? जमींदार साहब, आपको चिंता करने को सकता नहीं, आपके हवेली के चारों तरफ हमारी फोर्स लगी हुई है और जैसा ही शंकर सिंह आएगा वैसा ही गिरफ्तार होगा। आप बैठकर आराम कीजिए, आपको चिंता करने को सकता नहीं। ठीक है, हमें विश्वास है कि आपके रहते हुए गुप्ता जी और पकड़ से ऐसा लगता है कि साथ पकड़ से शंकर सिंह शंकरगढ़ की बजाय शिवगढ़ में अपनी चढ़ाई कर चुका है, इसलिए आओ चलते शिवगढ़ और उसका पीछा करते हैं और शंकर सिंह बचकर जाने पाए। लेकिन जमींदार साहब, आपको चिंता करने को सकता नहीं, इस समय शंकर गढ़ में शंकर सिंह चढ़ाई नहीं कर चुका है, वो शिवगढ़ में अपनी चढ़ाई कर चुका है। हम लोग जा रहे हैं उसका पीछा करते हैं और आपको चिंता करने को सकता नहीं,
आप बैठकर अपने हवेली पे आराम कीजिए। अब तो पियासी पुलिस चली गए। पियासी पुलिस के उसे पीएसी पुलिस कहते हैं। लेकिन राम सैनो लग रहा कि शंकर गढ़ में उस राम जादे शंकर सिंह को जानकारी हुई थी कि हवेली के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है, तो वो साला शंकर गढ़ की बजाय शिवगढ़ में डकैती डालने चला गया है। अब शंकर सिंह जो डर गया वो ठाकुर की हस्ती से मर गया। अब हम अपनी हवेली में आज की रात चैन से गुजारेंगे। बैंक पेपर मंगा ना लियो। काहे के लिए मंगा ले? अब खुशी है। उठाऊंगा हंटर तो नाक में मारूंगा, एक बाल्टी खून फेंकोगे थाली। पहले आज की रात निकल जाने दे, हम इस रात का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चतुर सिंह किस हाल में हो? दूसरों का सुख चैन छीन कर बड़े आराम की नींद सो रहे थे। शंकर सिंह इतना बड़ा धोखा कि चैलेंज दिया ठाकुर की हवेली लूटने का और हवाई फायरिंग शिवगढ़ में, ये मर्दों का काम नहीं शंकर सिंह, ये कायरों का काम है। मैं जानता हूं तू कितना बड़ा मर्द है, मर्दों की बात करता है यार। चतुर सिंह तू ये कैसे भूल गया कि आज के दिन का मेरा कुछ ऐलान था? कैसे भूल गया चतुर सिंह? शंकर सिंह के ऐलान को कैसे भूल गया? तो आज के दिन का यही मेरा ऐलान था, चक्की में देना पुलिस को मेरा काम था। और जिंदा हर चीज तुझे चलती है सरकार है, और नाम का डंक मेरे बजे हर तरफ है। नाम का डंक मेरे बजे हर तरफ है, इस रियासत मेरा ही अधिकार है। आप धरती पे जब जब बढ़ाते शरम, पाप को नाश कर दिया करतार ने। और सुन ले अभिमानी रावण मेरी बात, सुन ले अभिमानी रावण मेरी बात, कलयुग में हो गया राम अवतार। शंकर लगन तो तुम दबा के यहां से चले जाइए, और मेरे चक्कर में तू है अभी ना पड़ा। मेरे चक्कर में तू है अभी ना
जान की भीख मांगेगा पूरे शरम। जान की भीख मांगेगा पूरे शरम। मार कर ही तुझे चैन पाऊंगा मैं जान। शंकर सिंह, तुझे मालूम नहीं है कि तू जहां पर अपने कदम रखे हुए हैं, इसके चारों तरफ सिर्फ बारूद के ढेर लगे हुए हैं, और उस बारूद का रिमोट ठाकुर चतुर सिंह के हाथों में है। अगर रिमोट का बटन दबाऊंगा तो तुम सबके चितरे चितरे उड़ जाएंगे। बारूद की धमकी दे रहा है रामजादा, कहा है रिमोट? चतुर सिंह, जिस तरह से तूने गरीबों का खून बहाया है, उसी तरह से जब तक मैं तेरा खून नहीं बहाऊंगा, चैन की एक सांस नहीं लूंगा। हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा, तैयार हो जा मरने के लिए। शंकर सिंह बस वहीं पे और ठहर जाइए। शंकर सिंह बस वहीं पे। आप ठहर जाइए, भाग कर तू यहाँ से न जा पाएगा। गिरता रहेगा तो तुम दुश्मन से मुकाबला कर पाओगे? अरे सर, आप जाना था, अब के हमारा नवा नवा ब्याह भा है तो अब के हमारा नवा नवा ब्याह भा है
इतनी मेहनत कर दी साला पंडवा ढील होएगा। अगर पकड़ सिंह इस रोज पंड गिरता रहेगा तो दुश्मन तुम्हें मार डालेगा और तुम दुश्मन से पार नहीं पाओगे। लेकिन ये बात बोलते हैं शंकर सिंह घायल हो चुका है, आओ चलते उसका पीछा करते हैं और बस कर जाने न पाए। साथियों सेरा पुलिस की गोली मेरी बाहर को छूकर निकल गई है। सेरा मैं पुलिस फोर्स में और मैं पुलिस वालों को यही रोकता हूं और सेरा आज न जाने क्यों मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। यहां से थोड़ी दूर पर मेरा घर है, मैं शीघ्र ही जाकर अपने बीबी बच्चों से मिलकर तुम लोगों को बड़ी पहाड़ी पर मिलूंगा। ठीक है सरदार जी, मैं सभी साथियों को लेकर पहाड़ी पर चल रहा हूँ। जाओ जाओ और होशियारी से जाना। जय माँ भवानी। पकड़ सिंह पीछे पड़े रहते। और गुप्ता जी कहिए सर। आप तो शंकर सिंह आपके हाथों से निकल गया है, लेकिन आप बैठकर सोचते हैं उनके विषय में किस तरह से हमारे तुम्हारे हाथ आएगा और किस तरह से गिरफ्तार होगा उसके विषय में हमें सोचना होगा। हम जा रहे हैं वे साले बदमाश का पकड़े, ये साला पता नहीं कौन बिली में घुस जात है। कहना है कफन न डालो मेरे सेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। कफन न डालो मेरे सेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। न दफनाओ मिली लाश को यारो, उम्मीद है वे किसी के आ जाने की। कहना है क्यों मरते उस बेवफा के लिए, दुपट्टा न मिलेगा कफन के लिए। मरना है तो मरिए देश के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है, लेकिन पंपापुर की नौटंकी में गोविंदा ने क्या फरमाया है। मेरे देश की बकरी खाए पुदीना, हगे है सोवा मेथी। मेरे देश की बकरी सिंह की आवाज मुझे कुछ पहचानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस आवाज से हमारी कभी मुलाकात हुई हो। हुजूर वही माँ टीवी तो नहीं सुनो, नहीं दूरदर्शन से। रोम खोर साले टीवी चैनल की बात कर रहा है। हमें लग रहा है कि कहीं वो साला ड्राइवर समर सिंह तो नहीं जो कि ठाकुर की गोली से बच गया हो और अपने आप को ठाकुर शंकर सिंह के नाम से प्रसिद्ध होकर के ठाकुर से बदला लेने के लिए आया हो। हुजूर हम कही थे जही का बच्चे को हुआ थे कहल सुई के नाका में जो फंसा रहे बच जाए। लेकिन राम सिंह अगर ये ठाकुर के गोली से बच गया है तो अब दोबारा ये जमींदार की गोली से नहीं बचेगा। आओ पहले शंकरगढ़ रियासत की तरफ चल रहे हैं। अगर इसके घर में कोई मिला अगर समर सिंह तेरे घर में कोई मिला तो तुम्हारे घर का ताला बंद करके आऊंगा। आओ शंकरगढ़ रियासत की तरफ चल रहे हैं, समर सिंह के घर का पता लगा रहे हैं।
क्या बताऊं, आज करवा चौथ का दिन है और मैं अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखी हूं और मैं यही कहती हूं कि मेरे स्वामी जहां कहीं भी हो बिल्कुल सही सलामत हूं। अब सबसे पहले मैं चलती हूं माता जी के मंदिर पूजा करने के लिए, उसके बाद में घर का काम करूंगी। क्या बात है मास्टर? अरे मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, मैं तो आरती घर है। मेरा नाम पार्वती है, मेरे स्वामी एक ट्रक ड्राइवर हैं, उनका नाम समर सिंह है। समर सिंह का घर है? जी हाँ। और आप उनकी पत्नी हैं? हाँ मैं उनकी पत्नी हूँ। मिल गया रे, मिल गया उसकी तलाश थी। लेकिन ये हाथ में आप क्या लिए हुए हैं? आज करवा चौथ का दिन है और मैं अपनी पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखी हूं और माता जी के मंदिर पूजा करने के लिए जा रहा हूं। राम सिंह, अब माता जी के मंदिर में नहीं, अभी ठाकुर चतुर सिंह की पूजा होगी। लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूं। बोलो। और जोड़ कर हाथ में आपसे पूछते, आप है कौन सा सच बता दीजिए। और इसके पहले न तुमको मैं देखी कभी, इसके पहले न तुमको ना देखी कभी। देखिए आप कौन है, मैंने तो इसके पहले आपको कभी नहीं देखा। पार्वती जी सुने तो पार्वती आपको अर्ज करता हूं प्रणाम। तेरे पति ने कर दिया ठाकुर का अपमान। Yeah!
मेरे पति ने आपका अपमान किया है। देखिए इस समय तो मेरे पति घर पे नहीं है, आप इस वक्त यहां से जाइए, जब मेरे पति जी घर पे आ जाएं तो आप आकर उनसे मिल लेना। हे राम सेतु, पार्वती जी क्या बात है? मैंने क्या कहा और देखो अब क्या कहने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। पार्वती जी क्या कहने जा रहे हैं? किसी ने सच ही कहा है कि गरम चाय की प्याली हो और कोई पिलाने वाली हो और गोरी हो या काली हो मगर चाहने वाली हो। देखिए आपकी बात बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रही। हम समझा रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? खुले शब्दों में बनवाया और मेरे पास आकर अभी बैठ जा।